ओ मम्मी मम्मी मम्मी, क्या बना रही हो? हट गंदा। हे गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि मिश्रा ब्लॉग्स। तो आज हो चुकी है डेट 13 और बस 2 दिन बाद नवरात्रि आने वाली है, माता रानी आने वाली है। तो अभी मिश्रा जी तो चले गए ऑफिस, मनु भी चली गई। मनु के भी इस समय एग्जाम चल रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा बोल रही थी कि मम्मा, मतलब होता है ना त्योहार होता है तो बच्चे अलग से एक्साइटेड रहते हैं और उसी टाइम एग्जाम हो गया तो एक हाँ पढ़े या ना पढ़े बट प्रेशर रहता है, वो सबकी बात है। हम लोग भी छोटे छोटे थे तो क्या होता था, मार्च होली में एग्जाम होते थे, बोर्ड एग्जाम, बहुत गुस्सा आता था। मतलब होली के बीच में एग्जाम फंस जाते थे तो मतलब ना हम पढ़ पाते थे ना हम सेलिब्रेट कर पाते थे। बट कोई नहीं, आधे में तो मनु का खत्म हो जाएगा, पूरा नवरात्रि नहीं चलेगा। तो बस यही सब चल रहा है अभी, और अब नवरात्रि की भी तैयारियां चालू करनी पड़ेंगी क्योंकि पितर पक्ष तो खत्म है, बस कल बस और है, शायद 15 तारीख से नवरात्रि लग जाएगा। मानव छोड़ो ना। तो अभी मैंने खाना वाना बना लिया सुबह। ए सुबह का क्लिप आपने देखा ही होगा कि आलू का पराठा बनाई थी, थोड़ा सा आटा बच गया था तो मैंने यहाँ पे 2 पराठे और बना लिए अपने लिए, बहुत ज्यादा बड़े बन गए हैं जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में मिलते हैं। तो और मानव के लिए दाल चावल बनाया, अपने लिए भी बनाया है। तो चलिए, ओ गिर जाएगा बेटा। तो चलिए खाना निकाल लिया जाए, मानव के लिए अलग से दाल चावल निकाल लेती हूँ। पूरा बर्तन फैला के रखा ये लड़का। सो गाइस, मैंने आलू का पराठा तो बना लिया लेकिन अब ये सोच रही हूँ कि उसको खाऊंगी किस में, क्योंकि दही तो है नहीं। सोच रही हूँ टमाटर की चटनी बना लिया जाए, चलिए बनाते हैं टमाटर की चटनी। यहाँ पे मैंने अपने लिए खाना निकाल लिया और चलते मानव के लिए भी निकाल लेती थी। यहाँ मैंने चावल थोड़ा सा मैश कर दिया, दाल डाल देती हूँ और थोड़ा सा घी, और इसी में थोड़ी सी चटनी डाल दी जिससे उसको भी थोड़ा सा अलग टेस्ट लगे। और चलते हैं खा लेते खाना, वो भी बहुत तेज लगी है। अरे मैं सैलेड काटना भूल गई, तो सैलेड भी काट लेती हूँ। क्या होता है अकेले रहते तो कई बार ध्यान में नहीं आता है, बट खाना जरूरी है। हाँ बेटा, हाँ बेटा। तो गाइस खाना बन चुका है और लग भी चुका है, जिसको जिसको खाना है तो आ सकता है। पापा पापा, ये है मानव का खाना, दाल चावल घी और चटनी। बेटा बेटा पूरा प्याज गाइस। तो हो गया खाना होना और आ गई मैं, कपड़े भी चेंज कर ली, इतना गर्मी लग रहा था। बाप रे, बा,
यार, तो सुंदर कान का तो पता नहीं कहाँ गिर गया, देखती हूँ कहीं ना कहीं तो गिरा ही होगा। घर से बाहर तो मैं गई नहीं। सुमेरा कान का फाइनली मिल गया, गिर गया था, कपड़े चेंज कर रही थी तो ज्यादा नाटक कर रहा तुमको। अरे मानव, तो गाइस हो गया खाना, अब दवाई ववाई भी खा ली मैंने, मानव को भी खाना खिला दी हूँ, तब जाऊंगी आराम करने। वैसे तो मानव सो चुका है, पता नहीं सोएगा भी कि नहीं सोएगा। इसका यही है, जब मेरा टाइम होता है सोने का तो ये उठ के बैठ जाता है। मैं कहीं नहीं जा रही बेटा। बब गंदा बोलो, बब गंदा, हट गंदा। सो गाइस मैं सो रही थी, इतना तेज नींद आ रही है और ये लड़का है, मैं सो रही हूँ और ये मेरी आंख ऐसे पकड़ के खोल रहा है, कान में आके चिल्ला रहा है, कहीं मेरी उंगली काट दे रहा है, बदमाश कहीं का। हट गंदा, हट गंदा, बक गंदा, बब गंदा। दो मेरे को, दो रख दो इसे। बहुत मस्ती कर रहा है भाई। ये देखिए इसका नाटक। हट गंदा, हाँ सीखा है, हट गंदा। बाबा बेटा भाई, नींद आ रही मुझे, तुम तो सो लिए हो। हट गंदा, हट गंदा। मानव देखो, मनु अंदर चला गया हो, एसी बंद कर दो अंदर का। तो यहाँ पे हो चुकी है शाम और मैं आके बालकनी में बैठ गई थी और मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था, तो स्प्राउट्स रखा हुआ था, बस वही स्प्राउट्स में मैंने डाला टमाटर, प्याज, खीरा, नींबू, चाट मसाला और उसी को खा रही थी। और थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैंने मनु से भुजिया सेब मंगाया और उसको भी डाल लिया, काफ़ी टेस्टी लगता है, हेल्दी भी रहता है। और यहाँ मानव भी खा रहा मेरे साथ। उसके बाद शाम को मुझे डॉक्टर ने भी बोला है योगा करने के लिए, तो वही मैंने सोचा कि जब भी टाइम मिले, सुबह मिलेगा तो सुबह करूँगी, शाम को मिलेगा तो शाम को, थोड़ा सा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए। तो यहाँ मेरे साथ मनु भी कर रही थी और शाम क्या मानव भी सो गया था, तो कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं था। वैसे भी तो 24 घंटे में ऐसा नहीं है, आधे घंटे तो निकल ही आएंगे, चाहे सुबह निकालूँ चाहे शाम को। आज शाम को निकला तो मैंने सोचा अभी कर लेती हूँ।
और ये टाइम भी अच्छा था करने के लिए। हे गाइस, तो आज से मैंने स्टार्ट किया है योगा। क्योंकि कल डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने बोला कि आप योगा करना स्टार्ट करिए, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। और ये योगा तो प्रॉब्लम ना भी आए तो पहले से ही चालू करना चाहिए बिना डॉक्टर के बोले ही। सो मैंने सोचा जब टाइम मिले तभी, सुबह नहीं मिल पाता तो शाम को ही सही। तो मानव सो गया है, पूजा वूजा भी कर चुकी मैं और अब लगूंगी खाने में थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, मैं यहाँ पे लग गई हूँ और मैं आज बना रही हूँ यहाँ पे टमाटर सेव। तो बस उसी का तैयारी कर रही थी। तैयारी क्या, ग्रेवी रेडी ही हो गई है और एक तरफ ये मैं कुछ करेले रखे हुए थे, मैंने सोचा इनको भी भुजिया टाइप का बना लूँ, क्योंकि अगर ये रखे रहेंगे तो फिर रखे रखे पूरे पक जाएंगे और फेंके जाएंगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि अब बन जाएगा तो बन ही जाएगा अगर। और एक तो इतने चार पांच तो थे ही, वैसे तो मिश्रा जी इसको अपना जूस बनाने के लिए, लेकिन करेले का जूस मतलब अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। मैंने एक दिन थोड़ा सा ऐसे ये बोल रहे थे तो मैंने डाल दिया था, तो उनको इतना कड़वा लगा कि उस दिन से मना कर दिया, बोलते नहीं यार करेला मत डालना। मैंने उनको मना भी किया था बट नहीं माने, तो मैंने एक पाव ले ली थी। तो यहाँ पे मेरी ग्रेवी हो गई है रेडी और एक तरफ ये करेले भी कट गए हैं। सो गाइस, यहाँ बन रहा है लच्छा पराठा। अम्मा को बोला मैंने, लास्ट वाला मैं ट्राई करूंगी। गर्मी लग रही है और आज मैंने टमाटर सेव बनाया तो मैंने सोचा कि उन्हें कुछ थोड़ा अलग बनाया जाए। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ लच्छा पराठा जैसे मेरे से बना। इससे पहले मैंने एक आध बार शायद बनाया था, ट्राई किया था, पर ज़्यादा नहीं बनाई हूँ। उसके साथ अच्छा भी लगेगा थोड़ा सा। हे गाइस, तो अभी आए हम लोग गरबा करके। ज़्यादा आज नहीं किए क्योंकि थोड़ा सा लेट गए ही थे और फिर बिल्कुल इतना गर्मी लग रहा था और ज़्यादा लोग आज आए भी नहीं थे, पता नहीं क्यों। तो बस थोड़ी देर किए, पूजा भी गई थी हमारे साथ। और पैर तो इतने में ही मेरा दर्द करने लगा और मेरे को इतना गर्मी पहले ही लग रहा था, और गरबा कर ली तो और पसीने में नहा गई। तो बस अभी घर आए हैं, टाइम भी हो गया था, 10 बज गए थे, खाना वाना भी खाना था। हाँ बेटा, मम्मा को लग रही ना बाबू। तो गाइस, मानव भी आ गया, अभी पूजा के यहाँ था और ये आ गया। ओए माँ, ऐसे कौन करता है। तो आज मैंने खाने में बनाया है टमाटर सेव और सेव टमाटर बोलते हैं जो भी है, सेव टमाटर या टमाटर सेव और लच्छेदार पराठा। तो बस अब जा रहे हैं डिनर करेंगे, क्योंकि अभी मिश्रा जी भी नहीं आए, बोले खाना उना खा लेना, उनको थोड़ा लेट हो जाएगा आ जाने में। तो चलिए ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे सभी को, गुड नाइट, बाय।